हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या हमारे जो सात सर्किट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, है ना, उन्हीं सात सर्किट को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला सर्किट है जिसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है आपका ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, आर। क्लियर बेटा? अब देखिए वी इज इक्वल टू क्या होता है जो हमको दिया हुआ है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमारा ओम्स लॉ बाय द ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, देन आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, वी अपॉन आर, ठीक है। वी की वैल्यू रखने हम तो आई इज इक्वल टू वी की वैल्यू रखी हमने वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी नॉट बाय आर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, आई नॉट से, तो क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। तो यहां से आर कितना मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है। ये आया आपका रेजिस्टेंस किसमें, जब हम वो सर्किट यूज कर रहे हैं जिसमें हमने सिर्फ क्या लगाया, ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जो हमारा वोल्टेज था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इससे हम क्या लेके आए, करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों किसमें है, सेम फेज में, ठीक है। तो इसका फेज डायग्राम क्या बनेगा आपका, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, ये आ गए दोनों सेम फेज में, ठीक है बेटा, इतने में कोई समस्या। तो ये हो गया आपका पहला सर्किट सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्किट देखते हैं जिसमें क्या लगा, सिर्फ कैपेसिटर, है ना, तो कैपेसिटर वाला देखते हैं अपन। ठीक है, ये तो आपके पास है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमारा Q, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सी वी, तो Q इज इक्वल टू सी वी की वैल्यू रख दी हमने क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बेटा करंट, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, तो I इज इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी टी, यहां पे हमने Q की वैल्यू रख दी, तो I इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस पूरा क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में, तो सी वी नॉट ये आपका कांस्टेंट, ये तो बाहर आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू सी वी नॉट कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, I इज इक्वल टू क्या मिला, ओमेगा सी वी नॉट, अब कॉस, कॉस को किस में कन्वर्ट करना है हमको, साइन को, कि हमारा साइन में चलता है आपका, है ना, तो कॉस को साइन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस ओमेगा सी वी नॉट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया आपका, आई से, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, है ना, तो वेयर ओमेगा सी वी नॉट इज इक्वल टू क्या है, आई नॉट, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकाल, अब ये किसका यूज कर रहे हैं अपन, कैपेसिटर का, है ना, ये कैपेसिटर लगाया अपन ने सी, तो इसमें क्या आएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किससे शो करते हैं अपन, एक्स सी से, ठीक है, एक्स सी क्या हो जाएगा, इस आई आई नॉट को अपन यहां ले आए और ओमेगा सी वहां चला जाएगा, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, और वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है आपका, ऑब्स्ट्रक्शन, दैट मींस एक्स सी, तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन अपॉन ओमेगा सी, और एक्स सी क्या है आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
ठीक है। तो ये आ गया एक्स ही निकल गया आपका, इतने में कोई समस्या आपको बेटा नहीं। अब देखते हैं अपन क्या फेस, देखिए वोल्टेज क्या था हमारा वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या निकला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दैट मीन्स करंट वोल्टेज से कितना आगे चल रहा है आपका पाई बाई टू, ठीक है ना। तब इसका किस तरीके से बनेगा, फेस डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। ये तो आ गया आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। अब करंट कितना चल रहा है, आगे चल रहा है पाई बाई टू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज और दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, करंट कितना है पाई बाई टू आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला सर्किट सॉल्व, ओके, जिसमें क्या लगा हुआ है आपका कैपेसिटर। इतने में कोई प्रॉब्लम बेटा, देखिए हमने रिएक्टेंस निकाल दिया है, तो ये रिएक्टेंस आपको निकालना है, और ये हमारा क्या बन गया फेस डायग्राम। क्लियर बेटा, ओके, थैंक यू।